अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे हैं। चलिए फिर आज हम आपको बताने जा रहे हैं सभी की ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी, जिसका नाम है पूरन पोली। पूरन पोली बनाना बहुत ही आसान है, और हमने जो आपको रेसिपी बनाई बनाकर बताई वो तो और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमने ना इसकी दाल को मिक्सर में पीसा है, ना हमने इसे कोई पूरन पोली की मशीन से पीसा है। फिर हमने पूरन पोली कैसी बनाई है और इसकी दाल को कैसे पीसा है, तो आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमने आपको कितनी आसानी से पूरन पोली की रेसिपी बताई है। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और हमने पूरन पोली किस तरीके से बनाई है आपको बताते हैं। सबसे पहले हम 1 kg चना दाल लेंगे और इसे वॉश कर लेंगे और फिर कुकर में डाल देंगे। कुकर में डालने के बाद में 5 गिलास इसमें हम पानी डालेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हमें इससे आधा घंटा लगेगा। अब हम एक मिक्सर का पॉट लेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट लेंगे। आप ड्राई फ्रूट आपके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हर हमेशा हम इस तरीके से ड्राई फ्रूट का मिक्सन बना के रखते हैं, जिसमें डेसिकेटेड कोकोनट होता है, यानी खुरचा हुआ, यानी जो हम जिसे शेडेड कोकोनट कहते हैं, शेडेड कोकोनट होता है। उसमें किशमिश, काजू, बादाम और जो भी हमें पसंद है वो सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, उसका मिक्सन होता है। तो हमने 2 कप इस ड्राई फ्रूट का मिक्सन लिया। इसमें जायफल लिया, जायफल हमने थोड़ा सा ही जायफल लिया, और 20 हरी इलायची ली। इसी तरीके से हम सारे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर इस पॉट में डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से बारीक पीस लेंगे। हमें बहुत बारीक पीसना है, क्योंकि अगर हम इसे पूरन पोली के दाल में मिलाएंगे तो अगर हम इसे थोड़ा मोटा मोटा पीसेंगे तो पूरन पोली फट जाएंगे। इस तरीके से हमें एकदम बारीक पीसना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जो पूरन पोली की दाल हमने बॉईल करने के लिए रखा था, वो पूरन पोली की दाल भी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी थी। यहाँ पर अब हम आपको हाथ में लेकर दाल बताएंगे, यानी दाल एकदम अच्छी तरीके से गल चुकी है। इस तरीके से दाल गलना चाहिए। अगर दाल थोड़ी सी भी नहीं गलती और हम इसमें शक्कर मिलाएंगे तो बिल्कुल दाल जो है वो पीसने में नहीं आएंगी और उसके जो पूरन पोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। इसलिए दाल अच्छी तरीके से हमें गलाना है। अब यहाँ पर हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक भगोना रखेंगे और 250 ग्राम वनस्पति घी लेंगे, जिसे हम डालडा कहते हैं। आप इस टाइम देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन हम पूरन पोली में जो घी होता है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डालडा यूज़ करेंगे। और सिर्फ फ्लेवर के लिए हम 1 टेबल स्पून घी लेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद में जो ड्राई फ्रूट को हमने पीस कर रखा था, वो पीसा हुआ ड्राई फ्रूट इस भगोने में डालेंगे और अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। हमें इसे ब्राउन करना है। जब हम रोस्ट करते हैं तो इसकी जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो तब हमें समझ जाना चाहिए कि अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका। वो कहते हैं ना, 7 घर खुशबू हमने कुछ बनाई तो जाती है। तो ये पूरन पोली का जब हम इस तरीके से इस ड्राई फ्रूट को ब्राउन करते हैं तो सही में भी 7 घर खुशबू जाती है, इतना अच्छी इसकी खुशबू आती है। अब यहाँ पर ये अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट ब्राउन हो चुके थे। अब यहाँ पर हमने जो बॉयल की हुई चना दाल है वो इस ब्राउन किए हुए मसाले में डालेंगे और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले हमें अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि ये जो मसाला है और जो दाल है वो एकदम एक दूसरे में मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पर 1 kg शक्कर लेंगे। शक्कर हमें अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। हम यहाँ पर 1.5 kg भी ले सकते हैं और 1 kg भी ले सकते हैं, लेकिन हम हमेशा जब पूरन पोली की 1 kg दाल लेते हैं तो 1 kg ही शक्कर लेते हैं। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और ऐसी भी शक्कर जब तक के पिघल जाएंगी तब तक के हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, वरना जो दाल है नीचे से कहीं जल ना जाए। इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से इस पूरन पोली की दाल को और शक्कर को मिक्स करना है। अच्छे तरीके से शक्कर को और दाल को मिक्स करते रहना है, और इसमें जो चमचा है वो चलाते रहना है। अगर हम शक्कर ऊपर डाल देंगे और चमचा नहीं चलाएंगे तो जो शक्कर है ऊपर ही मेल्ट हो जाएंगी और जो दाल है वो नीचे से लग जाएंगी। इसलिए हमें हाथ चलाते रहना है और शक्कर को और दाल को मिक्स करते रहना है। अब हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी टिप्स देंगे। यहाँ पर हम जो केक के लिए जो बीटर यूज़ करते हैं, यानी क्रीम के लिए बीटर यूज़ करते हैं, और केक स्पॉन्ज बनाने के लिए जो बीटर यूज़ करते हैं, उससे ही हम दाल को मिक्स कर लेंगे। जब शक्कर मेल्ट हो जाए तो हम बीटर लेंगे और बीटर से शक्कर को और जो दाल है उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो दाल है वो पीसे जाती है। ना हमें मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है, ना फूड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, ना जो
ना जो पूरन पोली की जो मशीन होती है उसकी ज़रूरत होती है, हमारा एक काम में ही दोनों भी काम हो जाते हैं। यहाँ पर शक्कर भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है और शक्कर और दाल बहुत अच्छी तरीके से पक भी जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो दाल है और शक्कर है पीसी जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने इसे बीटर से पीसा है, ऐसा लगता है कि हमने इसे मिक्सर में ही पीसा है। अब हम इस टाइम में फूड कलर लेंगे, फूड कलर लेना ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते वरना स्किप भी कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का फूड कलर लेंगे और फूड कलर डालने के बाद में अच्छे तरीके से जो दाल है उसे और फूड कलर को मिक्स करेंगे। फिर से हम बीटर लेंगे और बीटर से दाल को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें अगर कुछ लम्स रह गए हो तो लम्स हम इस बीटर के मदद से पूरे लम्स को निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से इस दाल को पीस लेंगे। दाल को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके थे और हमें लगातार चमचा हिलाते रहना है ताकि जो पूरन पोली का मसाला है वो नीचे से लगे ना। अब हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और थोड़ा सा पूरन पोली का मसाला निकाल के रखेंगे ताकि हम 10 से 15 मिनट रख सके। 10 से 15 मिनट के बाद में वो एकदम हार्ड हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि पूरन पोली का मसाला अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम पूरन पोली के लिए डो बनाएंगे। डो हमने हाथों से नहीं बनाया, हमने फूड प्रोसेसर में ही बना लिया था। तो अब हम जो फूड प्रोसेसर का जार है उसमें 1/2 kg मैदा लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। आप यहाँ पर हाथों से भी मैदे को गूंद सकते हैं। अब हम इस मैदे को एक पॉट में निकालेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे जो पूरन पोली का मसाला है वो अच्छी तरीके से हार्ड हो चुका था। अब हम पूरन पोली बनाएंगे। अब हम इस डो में से एक छोटा सा पेड़ा निकालेंगे और इस तरीके से उसे बेलेंगे और इससे हमें पहले छोटी सी पूरी बनाना है और इसमें अब हमें ऑयल लगाना है। ऑयल हम इसलिए लगाना है ताकि जो हम दाल का पेड़ा बनाकर इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरन पोली फूलेंगी। इस तरीके से हम दाल का एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और अब इस तरीके से हम इस पूरी के अंदर दाल का पेड़ा डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हथेली से हम पहले पूरन पोली को फैला लेंगे ताकि इक्वल तरीके से पूरन पोली फैल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से पूरन पोली को बेल लेंगे। हमें बहुत हल्के हाथों से पूरन पोली को बेलना है क्योंकि ये पूरन पोली फटने का डर होता है और बहुत ही आसानी से पूरन पोली बन जाती है। आपके हिसाब से छोटी बड़ी साइज़ बना सकते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर तवा रखेंगे। हम नॉनस्टिक का भी रख सकते हैं और सादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नॉनस्टिक का नहीं, जो लोहे का तवा आता है वही यूज़ करेंगे और उस पर देसी घी होता है वो लगा लेंगे और पूरन पोली को रख देंगे सेकने के लिए। बहुत ही आसानी से पूरन पोली सेके जाती है और बिल्कुल फुटती भी नहीं है और बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम ऊपर से भी घी लगा देंगे और एक चमचे से हम पूरन पोली को पलट देंगे। और जो हमने यहाँ पर मैदे की पूरन पोली बनाया था, आप जो व्हीट फ्लावर होता है यानी गेहूं के आटा और मैदे को मिक्स कर कर भी बना सकते हैं और गेहूं के आटे की भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा हम इस तरीके से मैदे की पूरन पोली बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल भी नहीं फटती है। और फूलती तो ऐसी है जैसे गुब्बारे की तरह फूलती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने इस तरीके से पूरन पोली बनाई तो आपके घर पर पूरन पोली कैसी बनी। देखिएगा ये पूरन पोली कितनी अच्छी फूली है और इसी तरीके से सारी पूरन पोलियाँ फूलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही पूरन पोली फूली है, हम आपको 2 से 3 पूरन पोलियाँ बनाकर और बताएंगे कि सारी पूरन पोलियाँ इसी तरीके से फूलती है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह पूरन पोली फूलती है। इसी तरीके से हम दूसरी भी पूरन पोली डालेंगे और आपको बताएंगे कि ये भी कितनी अच्छी फूली हुई पूरन पोली बनी है। और जो पूरन पोली की दाल हमने इतनी सारी बना कर रखी है तो हमने इसे 1 महीना भी स्टोर कर सकते और 15 दिन भी स्टोर कर रख सकते फ्रीज में। तो लीजिए गाइज, यहाँ पर यम्मी और टेस्टी सी गुब्बारे जैसी फूली हुई पूरन पोली रेडी है। गाइज, अगर आपको पूरन पोली की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज, नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।